अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फैसल कारीगर। वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो दोस्तों, जब आप इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं या फिर जो है ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपके लिए सबसे मेन अहम चीज़ होती है, हर कैंडिडेट चाहता है कि भाई उसको स्कॉलरशिप मिले, वो स्कॉलरशिप पर स्टडी करे। क्योंकि इस वक्त जो है फाइनेंशियल हालात सबके, इवन मीडियम जो है मिडिल क्लास हो या फिर जो अपर क्लास है, वो भी इस वक्त अगर एजुकेशनल बर्डन जो है बर्दाश्त करने में बहुत ही उनको भी हिंड्रेंस आ रही है। अब जो है स्कॉलरशिप आपके लिए क्यों ज़रूरी है? स्कॉलरशिप एक तो आपकी ट्यूशन फी कवर करती है, उसके अलावा आपको हेल्प करती है ताकि आप अपनी कंटिन्यू कर सके पढ़ाई। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स जो है इंटर तो पास कर देते हैं, लेकिन उनके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ग्रेजुएशन कर सकें, किसी जो है बैचलर प्रोग्राम में इंटर हो सकें। लेकिन जो स्कॉलरशिप, कोई भी स्कॉलरशिप होती है, तो वो उसमें इंटर होने में हेल्प करती है, क्योंकि वो फाइनेंशियली उसको सपोर्ट मिल जाती है और उसके लिए इजी हो जाता है कि वो आगे वो कंटिन्यू कर सके। उसके अलावा ग्रेजुएशन अगर हो गई, फिर हमारे लिए मास्टर्स करना मसला होता है कि मास्टर्स कैसे करें उसकी, क्योंकि मास्टर्स की फीस तो फिर उससे भी हाई होती है। अगर 50,000 बैचलर की है तो 1 लाख होगी मास्टर्स की, मास्टर्स करना फिर मुश्किल होता है। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये मैं इनको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। काफ़ी स्कॉलरशिप, पाकिस्तानी स्कॉलरशिप अच्छी थी, किधर जैसे एहसास स्कॉलरशिप थी, उसके अलावा पीएम लैपटॉप स्कॉलरशिप, वो भी थोड़ा बहुत हेल्प करती है। यहाँ काफ़ी जो है और भी स्कॉलरशिप्स हैं जो अच्छी सी की तरफ से पाकिस्तान में दी जा रही। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ चाइनीज़ स्कॉलरशिप की। ठीक है, चाइनीज़ स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि बेसिकली पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। काफ़ी पाकिस्तानी सिंधी मीडियम या फिर उर्दू मीडियम, पूरे पाकिस्तान से जो है मैंने अभी रिसर्च की है, तो वो सारे वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पे कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई जो है ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, तो सारे वहाँ पे ऑलमोस्ट मौजूद है और वहाँ का माहौल बिल्कुल ही वो रिलैक्स है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं इसकी स्कॉलरशिप के जो है मेन चीज़ों पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये चाइनीज़ स्कॉलरशिप 273 यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना में जो ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, यानी 273 यूनिवर्सिटी। अगर इसको एक यूनिवर्सिटी अगर 10 से अगर 10 या 20 स्कॉलरशिप भी दे, तो फिर भी हमारे पास जो है 3,000 से 4,000 स्कॉलरशिप पर ईयर बन जाती है। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप्स अवेल करने के लिए आपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की जो वेबसाइट होती है, अब वेबसाइट पे जाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। एलिजिबिलिटी, अगर आप बैचलर में इंटर होना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर दी है तो मास्टर्स के लिए करना चाहते हैं, तो मास्टर्स के लिए आपकी ग्रेजुएशन के जो है कम्प्लीट होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर मास्टर कर दिए, पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी, तो ये क्राइटेरिया है। उसके बाद जो है आप पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, आज़ाद कश्मीर से हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें जो है अप्लाई करते हैं सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप में। अब जो इसका प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर जो है 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, वैसे बेसिकली उसके स्टेप्स काफ़ी हैं, लेकिन जो क्राइटेरिया स्कॉलरशिप्स की, वो 3 क्राइटेरिया है सीएससी स्कॉलरशिप की। क्राइटेरिया ए होता है जो एम्बेसी के थ्रू आप जाते हैं, क्राइटेरिया 2 जो यूनिवर्सिटी के थ्रू जाते हैं, क्राइटेरिया 3 यानी ए बी सी हम इसको डिवाइड करते हैं, सी जो आप किसी एजेंट या अदर सोर्सेज के थ्रू जाते हैं। ठीक है, तो हमारा मेनली फोकस होता है क्राइटेरिया नंबर 2 यूनिवर्सिटी के थ्रू। अब यूनिवर्सिटी के थ्रू जाने के लिए आपको चाहिए होता है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर कैसे चाहिए होता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है, इस पर जो है डिटेल वीडियो में आगे बताऊंगा, क्योंकि हम जो है मैं 15 सितंबर से एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ 15 दिनों की। ठीक है, डे 1 डे 2 30 सितंबर तक, जिसके दौरान हम एक्सेप्टेंस लेटर देंगे, उसके अलावा हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कम्प्लीट होंगे, उसके अलावा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो कम्प्लीट होंगे। अभी जो मैं आपको थॉरली स्टेप्स बताऊंगा कि इस स्टेप्स को आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। एलिजिबिलिटी मैं तो आपको ये बेसिकली ये एलिजिबिलिटी है, उसके अलावा जो अप्लाई करने के प्रोसीजर होता है, वो चीज़ें जो डिफ़िकल्ट होती है, उसमें उस पर मैं आपको जो है फोकस करने वाला हूँ। तो हमारे पास जो स्टेप वन है उसमें फाइंड सम गुड यूनिवर्सिटी हैविंग योर डिपार्टमेंट एंड इज एफिलिएटेड विद सीजीएस हेयर इज द सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी लिस्ट। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये होता है कि आपने कोई भी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी होती है या कोई भी डिपार्टमेंट फाइंड करना होता है। ठीक है, चाइना की कोई भी यूनिवर्सिटी 273 चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट पे वो पूरी लिस्ट दी हुई है 273 यूनिवर्सिटीज़ की। वहाँ पर आप एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, अब यूनिवर्सिटी में जाके आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं BBS मैंने किया हुआ है, मैं डिपार्टमेंट चूज़ करूँगा बिजनेस स्कूल का, जो डिपार्टमेंट मैं सेलेक्ट करूँगा वहाँ पे वेबसाइट पे। ठीक है, यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट की, मिसाल के तौर पर मैंने पैकिंग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की, पैकिंग यूनिवर्सिटी के मैं डिपार्टमेंट में गया BS डिपार्टमेंट में, फिर मैंने डिपार्टमेंट चूज़ किया, उसके बाद मैंने जाके वहाँ पर डिपार्टमेंट के बाद जाके ढूंढना है प्रोफेसर। ठीक है, उस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर कौन से हैं जो मेरिट से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर बिजनेस स्कूल में मैंने मार्केटिंग की है,
तो एक स्टेट टीचर होगा जो जो मार्केटिंग के जो वहां पर मेंशन होगा कि मार्केटिंग का स्टाफ ये है, तो उसको टारगेट करना है। नंबर टू, अगर हमारे पास कोई फाइनेंस का है, जो मेरा जो मेजर है वो फाइनेंस में है, मैं फाइनेंस वाले को टारगेट करूंगा। मैं उसको देखूंगा कि भाई फाइनेंस में जो प्रोफेसर है वो कौन सा प्रोफेसर है जिसको मैं टारगेट करूँ, मैंने उसको प्रोफेसर को फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है, डिपार्टमेंट फाइंड करना है और प्रोफेसर को ढूंढना है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स जो है आपको जो है सी एस सी की आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी, चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की, उसके अलावा जो है आप खुद से भी जो ढूंढ सकते हैं, काफ़ी पेजेस हैं सिंधी फोरम, सिंधी स्टूडेंट्स इन चाइना के नाम से, सिंधी स्टूडेंट्स इन यूरोप, और इस तरह के काफ़ी जो है ग्रुप्स भी बने हुए हैं फेसबुक पेज पे, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब नंबर टू पहले कंप्लीट हो गया, प्रोफेसर से अब कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करना है, आपने उसको एक ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरा ये प्रोग्राम है, मैं इस प्रोग्राम में इंटर होना चाहता हूँ। ठीक है, यानी मैंने बीबीए किया हुआ है फाइनेंस में, अब मैं जो है एमबीए करना चाहता हूँ फाइनेंस में, और मैंने देखा कि आपकी प्रोफाइल ये है और आप भी इस फील्ड से रिलेटेड हैं और आपके जो मेजर हैं, आपने आपके जो रिसर्च हैं आर्टिकल्स हैं वो इस फील्ड से रिलेटेड है, अब इसीलिए मैंने आपसे कॉन्टेक्ट किया, अब आपने मेल बनानी। अब मेल कैसे बनानी है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है। आप नॉर्मल सी मेल नहीं सेंड कर सकते कि भाई किसी को भी सेंड कर दी, और उसका फॉर्मेट है वो जो मैंने आपको 15 सितंबर की सीरीज बताई है, उस सीरीज में हम जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, ईमेल के सैंपल्स भी मैं आपको बताऊंगा, ईमेल में क्या लिखना है वो भी बताऊंगा, उसके अलावा जो फिर आपके पास जो है उस ईमेल के साथ क्या चीज़ें भेजनी है, उस ईमेल के साथ आपने एक रिसर्च प्रपोजल भेजना है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है उसकी वो भी अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल और नंबर टू सीवी भेजनी है, यानी प्रोफेसर को क्या चीज़ें भेजनी है। नंबर वन मेल करनी है, उस मेल में एक आपने तो फॉर्मेट लिखना है, उसका सब्जेक्ट लिखना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कंपोज करना है उसको कि क्या मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो है हमारे पास जो नेक्स्ट होगा वो रिक्वायरमेंट के बाद में उसको भेजूंगा कि भाई मेरी जो सीवी है वो ये है, मेरी जो रिसर्च प्रपोजल है वो ये है। ठीक है, अब जो प्रोफेसर है अब वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है, यानी आपका जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर है प्रोफेसर को मेल करना और उस पर एक्सेप्टेंस लेटर लेना। अब ये नहीं कि आप एक प्रोफेसर को करेंगे, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में 3 से 4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे, उन 3 से 4 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को मेल करेंगे और उनसे 3 एक्सेप्टेंस लेटर कम से कम आपको लेने हैं 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर। ठीक है, इस प्रोसीजर जो 15 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये करने के बाद आपके पास जो थर्ड स्टेप है, स्टेप नंबर 3 है, फिल सी एस सी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लॉगिन। ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लॉगिन के थ्रू आपने एक फॉर्म फिल करना है, जो फॉर्म आप एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है ऑनलाइन, और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है फिर अब नेक्स्ट क्या होगा, उसके मैंने आपको 3 स्कॉलरशिप बताई है, 3 कैटेगरी कैटेगरी है, कैटेगरी 2 नेट कैटेगरी 3। ठीक है, अब जब आपने अप्लाई कर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद आपको अपने फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड ठीक है प्रोवाइड करना है, एक फॉर्म होता है फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, मेडिकल प्रोफार्मा जैसे कहते हैं, मेडिकल प्रोफार्म होता है। ठीक है, उसमें आपकी जो है मेडिकल का भी सर्टिफिकेट अटैच होगा, उसके अलावा आपकी जो है डिग्री कौन सी है, डॉक्यूमेंट्स वो पूरा फॉर्म होता है आपने फिल करना है, उसके अलावा फॉरेन डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स यानी पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने उसमें रेडी करने होते हैं फिजिकली, उसका जो है पीडीएफ फॉर्मेट भेज के आपने वो रेडी करना होता है पीडीएफ फॉर्मेट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स रेडी कैसे करने हैं उसकी वीडियो जो है अलग बना देंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो है 3 प्रोग्राम्स होते हैं, 3 प्रोग्राम्स हमने बात की, अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, उसके अलावा जो है हमारे पास डॉक्टोरेट या पीएचडी प्रोग्राम है। अब जो बैचलर पे अगर कोई जाता है तो उसको कितनी अमाउंट मिलती है, उसको मिलती है 25,000 RMB। ठीक है, 2500 RMB, और जो ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए जाता है उसको मिलते हैं 3000 RMB, और जो डॉक्टरेट के लिए जाता है उसको मिलते हैं 3500 RMB, जो कि पाकिस्तानी 1,40,000 और 1,50,000 के इक्वल जो है हो जाते हैं। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी में जाना है आपने उनको किसी प्रोफेसर को बोलना है कि मुझे एक रिकमेंडेशन लेटर दे दें। उसके बाद फॉरेन एग्जामिनेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया कि वो फॉर्म रेडी करना है, स्टडी प्लान, रिसर्च प्रपोजल जो मैंने आपको बताया रिसर्च प्रपोजल, मोटिवेशन लेटर एक जो है वो आपको जो है आपने खुद बनाना है या आपका जो प्रोफेसर बनाए, इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट आपको यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोफेसर बना के दे देगा, एक्सेप्टेंस लेटर जो कि आपने प्रोफेसर चाइनीज वाली स्कॉलरशिप वाले से लेना है, उसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एजेंसी नंबर ये उनके लिए है जो पहले नंबर क्राइटेरिया में अप्लाई करेंगे।
नोटरी अटेस्टेशन, अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराने हैं, वो तो फाइनल प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं HECC से, HECC यूनिवर्सिटी से, और उसके अलावा IBCC से अगर आप इंटरमीडिएट और जो मैट्रिकुलेशन की है। उसके अलावा रिसर्च पेपर टॉपिक्स आपने और CV फॉर्मेट बनाना है, पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरा एक फॉर्मेट है, पूरी लिस्ट है जो आपको स्क्रीन पर भी नजर आएगी, वो आपने रेडी करनी है। तो मैंने आपको अभी बताया इंट्रोडक्शन, उसके अलावा क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ये स्कॉलरशिप आपको देती है और क्या आपको उसके अलावा जो है बेनिफिट्स है। मैंने आपको ये कवर बताया कि ये ट्यूशन फी भी कवर करती है, हॉस्टल फी भी कवर करती है, उसके अलावा आपके सारे खर्चे बर्दाश्त होते हैं। उसके अलावा स्टिपेंड भी मिलता है जो कि 1,25,000, और वहाँ का खर्चा जो कैंडिडेट बताते हैं वो 30,000 से 50,000, अगर ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 यानी 50,000 से 60,000 आपको मंथली वहाँ पर बचेंगे, जो कि आप पाकिस्तान में फैमिली को बैठ सकते हैं। तो ये जो चाइनीज स्कॉलरशिप का पूरा एक फॉर्मेट था, मैंने आपको 10 मिनट की वीडियो में, 12 मिनट की वीडियो में आपको पूरा समझाया, लेकिन इसको डिटेल में अब कैसे करना कैसे, ये तो मैंने आपको एक पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया कि स्कॉलरशिप है क्या है, क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है, अब जो स्टेप बाय स्टेप है वो कैसे कवर करना है। तो 15 सितंबर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका पूरा 10 दिनों का पूरा एक डे 1 डे 2 10 दिनों का एक पूरा फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं रोज़ाना के बुनियाद पर आपको बताऊँगा कि आज आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है, परसों आपको क्या करना है। इस तरह आपको पूरा एक पैटर्न मिल जाएगा, जिस पैटर्न के तहत मैं भी स्टार्ट करूँगा, मैं जैसे बनाता जाऊँगा आपको बताता जाऊँगा, और आपने खुद वो स्टार्ट करना है, बनाते जाना है, और 10 से 15 दिनों में हम फॉर्मेट कंप्लीट करेंगे, और फिर नेक्स्ट मंथ में हम इंशाल्लाह एक्सेप्टेंस लेटर, 3 से 4 एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे, और फिर हम जो है उस पर काम करेंगे और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में कोई ना किसी में एडमिशन लेंगे। तो होप की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, मजीद वीडियोज जो मेरी आने वाली है उसका इंतजार करें, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।